हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट। टॉपिक हमारा होने वाला है क्या, सल्फोनामाइड। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सल्फोनामाइड से देखते हैं हमारे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का क्या देखने को मिलता है, हु डिस्कवर्ड सल्फोनामाइड। सारी चीजें शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं। सल्फोनामाइड जब आपसे पूछा जाए ना कभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, आपका आंसर आता है पेनिसिलिन, डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या कली उनके कलीग की बात किया जाए। वाइल जब आपसे बात किया जाए फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट विच वॉज डिस्कवर्ड, तो आपका आंसर होगा क्या, सल्फोनामाइड। दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर है। एंटीबायोटिक विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरली फ्रॉम एनी माइक्रो, और जब आप एंटी माइक्रोबियल एजेंट की बात करते हैं, दीज आर द सिंथेटिक और द नेचुरल माइक्रो विच इज मेनली सिंथेसाइज इन टू द लैब और ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स और द एनिमल ओरिजिन से बात किया जाएगा। अब आपसे पूछा गया हु डिस्कवर्ड द सल्फोनामाइड, तो पहली सल्फोनामाइड जो हमारी हुई ना उसको हम बोलते हैं प्रोंटोसिल, और प्रोंटोसिल डिस्कवर्ड बाय द डोमैक साहब डिस्कवर किया गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला ऑप्शन हमें डोमैक देखने को मिलेगा। हाँ, पॉल एलरिच यहां पे हमारे फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहलाते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डिस्कवर किसने किया सल्फोनामाइड, तो आंसर कर दीजिएगा डोमैक साहब। डोमैक साहब ने एक माइक्रोब डिस्कवर्ड किया था, या बोले एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट डिस्कवर्ड किया था विच वॉज इफेक्टिव अगेंस्ट द पायोजेनिक बैक्टीरिया, जो माउथ में इंफेक्शन होते हैं ना, पायोजेनिक इंफेक्शन होते हैं ना, उसके लिए उन्होंने यूज किया था। एंड दिस सल्फोनामाइड जो उन्होंने बोला प्रोंटोसिल, जिसको रेड डाई के नाम से कभी पूछा जाए ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेड डाई एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो भी आपका आंसर यही होगा, प्रोंटोसिल होगा, क्योंकि ये प्रो ड्रग हमारी थी। और डोमैक साहब ने इसको जो डिस्कवर किया उसको इन्होंने यूज किया अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकॉकल, स्ट्रेप्टोकॉकल इंफेक्शन के अगेंस्ट उन्होंने यूज किया, और इसका एक काफी अच्छा इफेक्ट देखने को मिला था, वहीं से हमारी डिस्कवर्ड हो गई क्या, सल्फोनामाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फोनामाइड इज स्ट्रक्चरली एंड केमिकली रिलेटेड टू। जरा सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर देखा जाए, जब आप सल्फोनामाइड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं सल्फोनामाइड इज द सल्फानिलामाइड डेरिवेटिव, और अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फोनामाइड। वाइल अगर आप पावा की बात करोगे ना, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड में आपको देखने को मिलेगा ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये है हमारा पावा और ये है हमारा सल्फोनामाइड। आपको इसका स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं दिख रहा, यहां पे बेंजीन, यहां अमीनो ग्रुप, हाँ यहां पे आइनो एसिडिक ग्रुप लगा है, लेकिन यहां SO2 NH2 लग गया है, मींस लगभग सिमिलर ग्रुप है, तो इसीलिए बोला जाता है सल्फोनामाइड इज द स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ द पावा। और होता क्या है, जहां पावा को जुड़ना होता है जिस एंजाइम से, डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम से, वहां पे जुड़ जाता है कौन सा, सल्फोनामाइड जुड़ जाता है। तो इसीलिए सल्फोनामाइड इनहिबिट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पावा फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फोलिक एसिड। सो सल्फोनामाइड स्ट्रक्चरली एंड केमिकली किसके रिलेटेड है, आपके पावा, माफ कीजिएगा गाबा मत लगा दीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स होता है ना हम जल्दबाजी में पावा गाबा देन बाबा ऐसे भी वर्ड लाने लग जाते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, गामा क्या होता है, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, तो वो ब्यूटायरिक एसिड है, उसकी कहानी अलग है। बेंजोइक एसिड से रिलेटेड हमारा हो जाता है पावा, से रिलेटेड हमारा हो जाता है क्या, सल्फोनामाइड। जबकि आप बेंजोडाइजेपिन की बात करोगे तो बेंजोडाइजेपिन तो हमारा अलग ही क्लास की ड्रग है, जो हमारे गाबा ए रिसेप्टर पे काम करता है। वाइल जब आप डाइहाइड्रोफोलिक एसिड की बात करोगे तो ये तो हमारा प्रोडक्ट होता है जो पावा टेरेडिन और ग्लूटामेट से बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम में। तो हमने क्या बोला, All sulfonamide may be considered to be the derivative of the sulfonamide, aminobenzene, para aminobenzene sulfonamide. तो para aminobenzene sulfonamide and para aminobenzoic acid, तो दोनों को मिलता जुलता स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। यहां पे जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये है सल्फानिलामाइड डेरिवेटिव और ये है पावा डेरिवेटिव, और यही हमारा जो सल्फोनामाइड होता है ये इनहिबिट करता है डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम को, जो फर्दर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिक एसिड की सिंथेसिस कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फोनामाइड इज इफेक्टिव अगेंस्ट विच टाइप ऑफ द इंफेक्शन। अब सल्फोनामाइड मेनली किसके अगेंस्ट काम करता है,
तो हमने बात किया सल्फोनामाइड डेरिवेटिव मेनली हमारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। सो जितने भी टाइप के बैक्टीरियल इंफेक्शन होते हैं ना, वहां पे ये मेनली यूज होते हैं सल्फोनामाइड। ऑप्शन देखते हैं, बैक्टीरियल इंफेक्शन, वायरल इंफेक्शन, प्रोटोजोअल इंफेक्शन एंड फंगल इंफेक्शन। आपका आंसर आ चुका होगा कि ये हमारे बैक्टीरियल इंफेक्शन के अगेंस्ट काम करेंगे, क्योंकि वायरस और फंगल या हम बात करें हमारा प्रोटोजोअल, तो वहां पे तो अलग ही टाइप की ड्रग काम करती है ना। तो आंसर क्लियर है। सो दीज आर द मेनली इफेक्टिव अगेंस्ट द जेनिक बैक्टीरियल इंफेक्शन, जो हमारे बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं और बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद उनके फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, इसीलिए इनको एंटी मेटाबोलाइट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राइट रेड सल्फोनामाइड एजोडाई विच इज इनएक्टिव इन विट्रो बट शोज एक्सेलेंट एक्टिविटी इन विवो। चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। आपसे पूछा जा रहा है ऐसा एक रेड डाई का नाम बताइए, सल्फोनामाइड एजोडाई की बात हो रही है, विच इज इनएक्टिव इन सच इन विट्रो। मतलब कि अगर आपको यहां पे सोचने को मिले थोड़ा सा टाइम, तो आपको क्या दिमाग में आएगा कि इन विट्रो वो इनएक्टिव है, मतलब लैब में इनएक्टिव है, लेकिन अगर आप ह्यूमन की बात करेंगे, इन विवो के अंदर बात करेंगे, तो वो एक्टिव है। मतलब आपको प्रोडक्ट का वर्ड आ रहा होगा। जी हाँ, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, इसका मतलब क्या है, आपको प्रोडक्ट की कहानी है। और सल्फोनामाइड डेरिवेटिव हमारे मेनली प्रोडक्ट ही है, पहला चीज। लेकिन एक चीज और आपसे यहां पे बात की जा रही है कि जो उसकी एक्टिविटी दिख रही है, जरा उसके बारे में बात करें। तो हमने अभी पहले ही बोला है कि प्रोंटोसिल एक प्रोड्रग होती है जो बॉडी में जाने के बाद एक्टिव मेटाबोलाइट बनाती है। सल्फानिलामाइड ये तो एक्टिव फॉर्म होता है, प्रोंटोसिल प्रोड्रग होता है, सल्फापाइरिडिन ये हमारा, जब हम बात करते हैं हमारा सल्फासैलाजिन ना, तो सल्फासैलाजिन का मेटाबोलिज्म होके 5-अमीनोसैलिसिलिक एसिड और सल्फापाइरिडिन बनता है, और सल्फाडायाजिन तो एक्टिव रहती ही रहती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने बात किया था एजोडाई से रिलेटेड आपका पूछा गया जो इनएक्टिव एंड एज सच इन विट्रो है और एक्टिव इन विवो है, तो यहां से आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा, दैट इज द प्रोंटोसिल की कहानी आपको यहां पे देखने को मिलेगी। सो सिंपली हमने बोला प्रोंटोसिल और सल्फोनामाइड डेरिवेटिव की बात हो रही है। आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन और भी क्लियर कर देते हैं। मॉडर्न इरा ऑफ कीमोथेरेपी वॉज यूज्ड बाय द डोमैक साहब ने मॉडर्न इरा ऑफ कीमोथेरेपी को इंट्रोड्यूस किया था। कैसे? By the discovering the prontosil, a sulfonamide dye in the pyogenic infection. Pyogenic infection में उन्होंने इसको discover किया था और वहीं से हमारा ये modern era of chemotherapy introduce किया गया था। Next question, which of the following statement about sulfonamide is false? Okay. सल्फोनामाइड बड़ा मजेदार टॉपिक है, आपको इसको समझने की जरूरत है और हर क्वेश्चन यहां से आप आराम से आंसर कर सकते हो। जरा देखो, सल्फोनामाइड इनहिबिट बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। जरा एक बार थोड़ा कंफर्म करते हैं, जो सल्फोनामाइड का एक्शन होता है कैसे, हमारा होता है क्या पावा, पावा से जुड़ता है हमारा क्या टेरिडिन, और टेरिडिन से हमारा जुड़ता है क्या ग्लूटामिक एसिड, और ये तीनों चीजें जुड़ती हैं और जुड़ने के बाद बनता है क्या डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। डाइहाइड्रोफोलिक एसिड फर्दर हमारा बनाता है क्या टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। अब यहां पे अलग अलग एंजाइम लगता है, पहला एंजाइम लगता है जिसको बोलते हैं डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज, वो रिस्पॉन्सिबल होता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनाने के लिए, और दूसरा एंजाइम लगता है क्या डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जो हमारा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से बनाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। लेकिन जितनी भी आपकी सल्फोनामाइड है ना, वो क्या करती है, इस डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, उसका डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिलता है। आपके पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सल्फोनामाइड इनहिबिट बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। डिसफंक्शन ऑफ द बेसल गैंग्लिया मे अकर इन द न्यू बॉर्न इफ सल्फोनामाइड आर एडमिनिस्टर्ड लेट इन द प्रेगनेंसी। हाँ, सल्फोनामाइड हमारी टीरेटोजेनिक है, और अगर प्रेग्नेंट लेडी इसको इनटेक करती है तो वहां पे डिसफंक्शनिंग ऑफ द बेसल गैंग्लिया देखने को मिलेगा। सल्फोनामाइड क्रिस्टल यूरिया इज मोस्ट लाइकली टू अकर एट लो यूरिनरी पीएच। जितने भी सल्फोनामाइड होती है ना,
वो क्या होती है, हमारी लो एक्वस सॉल्युबल होती है। और जब एक्वस सॉल्युबल नहीं है ना, तो यूरिन से इजिली एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती, और यूरिन से एक्सक्रीट आउट नहीं होगी तो वो क्रिस्टल का फॉर्म करेगी, जिसको बोला जाएगा क्रिस्टल यूरिया। जितनी भी सल्फोनामाइड है, मेनली दीज ऑल कॉजिंग द क्रिस्टल यूरिया, एक्सेप्ट आइसोक्साजोल की बात करेंगे, जो हमारा क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती है, और वो क्रिस्टल यूरिया फॉर्म नहीं करती। तो हाँ, अगर हमारा लो यूरिनरी पीएच है तो वहां पे क्रिस्टल यूरिया फॉर्म करेगा। इसीलिए क्रिस्टल यूरिया से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक बनाते हैं यूरिन पीएच को। सल्फोनामाइड आर एंटी मेटाबोलाइट पैथोलॉजिकल कंडीशन, हाँ ये हमारी एंटी, क्योंकि एंटी मेटाबोलाइट की कहानी क्या है, कोई भी ड्रग अगर वो हमारे फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है तो वो एंटी मेटाबोलाइट कहलाएगी। तो ये तो कर ही रही है, तो हाँ ये भी सही है। आपको यहां के शुरू लास्ट पहला छोड़ दीजिए, वो गलत है और बाकी सही। आपसे फाल्स पूछा गया था तो आपका आंसर आ चुका होगा, सल्फोनामाइड डज नॉट इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, एल्स इट इनहिबिट द डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज। ओके, सो पाबा से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, वहां पे लगता है फोलिक एसिड सिंथेटेज, और यहीं पे हमारा एंजाइम, हमारी ये ड्रग काम करती है, सल्फोनामाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फोनामाइड एक्ट बाय, अभी तो हमने ये तो बात कर लिया कि सल्फोनामाइड हमारी इनहिबिट करेगी डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी, लेकिन पॉइंट क्या है, कंपटीटिव नॉन कंपटीटिव एलोस्टेरिक या कैसे काम करेगी। तो जरा समझिएगा, पाबा और सल्फोनामाइड दोनों का स्ट्रक्चर आपने अभी देखा था सेम है, और अगर दोनों का स्ट्रक्चर सेम है तो वो कंपटीटिव वर्क करेंगे। तो यहां पर ऑप्शन आपका डायरेक्ट वन लाइन में आ जाएगा, कंपटीटिव इनहिबिशन, क्योंकि नॉन कंपटीटिव में आपको यह देखना है कि वो स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होंगे। एलोस्टेरिक हमारे अलग अलग साइट पे बाइंड हो, लेकिन यहां तो सेम साइट पे बाइंड हो रहे हैं ना, और स्ट्रक्चरली सिमिलर है, इसीलिए क्या कहलाएगा, कंपटीटिव इनहिबिशन कहलाएगा। सो पाबा और सल्फोनामाइड दोनों कंपटीटिव इनहिबिशन है, एंड द यूनियन ऑफ पाबा विद द टेरिडिन इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रोफोलिक एसिड इज इनहिबिटेड बाय द सल्फोनामाइड। ओके, नेक्स्ट, आई ड्रॉप्स ऑफ विथ सल्फोनामाइड इज यूज्ड क्लिनिकली। क्लिनिकली बात किया जाए तो हमारे कौन सी ड्रग है जो सल्फोनामाइड की आई ड्रॉप्स में यूज की जाती है। तो अगर इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको एक बार रिकॉल कराऊं, जरा एक बार याद कर ही लेते हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो हमारी चार क्लासेस में डिवाइड होती है। पहली हमारी कहलाती है शॉर्ट एक्टिंग, दूसरी आती है इंटरमीडिएट एक्टिंग, और तीसरी आती है लॉन्ग एक्टिंग, और फोर्थ होता है स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड। और स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड में हमारी आती है क्या, सल्फा सिटामाइड, और सल्फा सिटामाइड हमारी काम करती है कहां पे, ऑकुलर इंफेक्शन, क्योंकि सीटा, सी मतलब देखना, ऐसे याद रखिएगा, सल्फा सिटामाइड और सी मतलब देखना, और देखने का काम है आई से, तो हमारा आई के इंफेक्शन में सल्फा सिटामाइड यूज होता है। सिल्वर सल्फा डायाजिन, अगर आप बात करोगे सिल्वर सल्फा डायाजिन और मिफेनाइड, ये हमारी कैसे काम करती है, किसमें काम करती है, मैं ये भी लिख देता हूं, मिफेनाइड, ये दोनों ड्रग हमारी काम करेंगी किसमें, बर्न केसेस में, जब भी बर्न होता है ना वहां पे ये यूज होती हैं। और नेक्स्ट हमारी यहां पे अगर हम बात करेंगे, हमारी यहां पे ड्रग आ जाएगी शॉर्ट एक्टिंग में आएगी सल्फा डायाजिन, और यहां पे बोलते हैं ना जिन, जिन किसमें रहता है, जिन हमारा चिराग में रहता है, तो छोटा सा जिन होता है चिराग में घुस जाता है, तो सल्फा डायाजिन शॉर्ट हो गया। इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो हमें याद आएगा सल्फा मिथॉक्साजोल, सल्फा मिथॉक्साजोल, तो मी लग गया इंटरमीडिएट का, और लॉन्ग में आ जाती है कौन सी, सल्फा डॉक्सिन। देखो यहां पे क्या दिख रहा है, डॉक्सिन, डॉग दिख रहा है, और डॉग, डॉक्स मतलब डॉग, और डॉग क्या होता है, बड़ा होता है, तो यहां पे आ गया लॉन्ग एक्टिंग। अब देखो आपसे पूछा गया आई इंफेक्शन में कौन सी यूज होगी, आपका एक ही आंसर है सल्फा सिटामाइड। सल्फा मिथॉक्साजोल हमारे कोट्रीमोक्साजोल के कॉम्बिनेशन में, आगे हम इसके बारे में देखेंगे, ये हमारा यूटीआई में यूज होता है।
सल्फिनपाइराजोल की बात करेंगे, ये भी हमारे इन्फेक्शन में यूज होता है लेकिन आई में नहीं। तो आई के लिए रिलेटेड हमारा आंसर क्या हो गया, सल्फासिटामाइड इज द करेक्ट आंसर। आप जरा एक बार इसके यूज और देख लेते हैं। सल्फाडायाजिन हमारा मेनिनजाइटिस में शॉर्ट एक्टिंग है तो मेनिनजाइटिस में यूज हो जाएगा। सल्फामोक्साजोल की बात करेंगे यूटीआई में, हाँ वही सल्फामेथॉक्साजोल की बात हो रही है। सल्फाडॉक्सिन पाइरिमिथामिन के साथ हमारा यूज होता है मलेरिया में, जो ब्रॉड एक्टिंग मतलब लॉन्ग एक्टिंग है, और शॉर्ट एक्टिंग जो सल्फाडायाजिन है वो ब्रुसेलोसिस टॉक्सोप्लाज्मोसिस में यूज होता है। सल्फासेलाजिन यूटीआई में यूज होगा। सल्फासेलाजिन हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस और अगर हम बात करेंगे हमारा आर्थराइटिस दोनों में यूज होगा। सल्फासिटामाइड हमारे ऑकुलर इन्फेक्शन में, मिफेनाइड और सिल्वर सल्फाडायाजिन बर्न के इन्फेक्शन में यूज होगा। आपसे सल्फासिटामाइड ऑकुलर इन्फेक्शन का क्वेश्चन था, आपने उसको आंसर कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फाल्स सल्फोनामाइड। फाल्स सल्फोनामाइड ये भी क्वेश्चन अच्छा है। वैसे तो आपको नाम में देखने को मिल गया होगा कि सल्फाडायाजिन सल्फा है, सल्फासेलाजिन सल्फा है, सल्फासिटामाइड सल्फा है, लेकिन मिफेनाइड में सल्फा नहीं है। हाँ आंसर तो आपका यही है, लेकिन इसको क्यों बोला जाता है कि ये फाल्स सल्फोनामाइड है उसका रीजन सुनिएगा। जब आप सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आपके सल्फोनामाइड के स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, करेक्ट है। लेकिन जब आप मिफेनाइड की बात करोगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और ये थोड़ा सा चेंज क्या होता है देखिए, अंतर दिखा, इधर कोई चेंज नहीं, लेकिन यहां पे आपको एक मिथाइल ग्रुप ज्यादा दिख गया, यानी मिथिलिन ब्रिज आ जाता है बिटवीन द बेंजीन एंड अमीनो ग्रुप, और इसी मिथिलिन ग्रुप की वजह से इसको बोला जाता है क्या, मेफेनाइड बोला जाता है। तो मिथिलिन से बन गया मेफेनाइड और ये फाल सल्फोनामाइड, क्योंकि ये ट्रू सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर नहीं रखता इसलिए इसको फाल सल्फोनामाइड बोला जाता है। सो मेफेनाइड इज नॉट अ टिपिकल सल्फोनामाइड बिकॉज इट कंटेन द CH2 ब्रिज बिटवीन द बेंजीन एंड अमीनो ग्रुप। बाकी सारी चीज, अब इससे क्या है ना, एक चीज और एडवांटेज हो गया कि जैसे सल्फोनामाइड का जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है ना, वो इसमें देखने को नहीं मिलता। तो सल्फोनामाइड एक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ पस, वहां पे हमारी ये ड्रग काम कर जाती है। बाकी सारी ड्रग जहां पस प्रेजेंट रहेगा वहां पे काम नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड। अभी हमने आपसे बात किया के क्लासिफिकेशन का, उसी से आंसर है। शॉर्ट एक्टिंग में हमने क्या बात किया, जिन रहता है कहां पे, हमारा चिराग में शॉर्ट होता है। डॉक्स हमारा बड़ा होता है तो लॉन्ग होता है। मेथॉक्साजोल हमारा इंटरमीडिएट में आता है एंड मिथाइजोल हमारा भी इंटरमीडिएट में आता है। तो शॉर्ट पूछा गया तो सल्फाडायाजिन आपने तुरंत आंसर कर ही लिया होगा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट एक्टिंग सल्फाडायाजिन की खानी, इंटरमीडिएट में सल्फा मेथॉक्साजोल मोक्साजोल, लॉन्ग एक्टिंग सल्फाडॉक्सिन एंड स्पेशल की तो हमने बात कर ही लिया, ये रहा क्लासिफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फासिटामाइड बिलोंग टू फॉलोइंग क्लास ऑफ द सल्फोनामाइड। सल्फासिटामाइड किस क्लास की ड्रग है, आपने तुरंत आंसर करना है सल्फासिटामाइड ऑकुलर इन्फेक्शन में यूज होने वाली है। अब ऑकुलर मतलब टॉपिकल की बात हो गई, इसको हम सिस्टमिक यूज नहीं करेंगे, कहां करेंगे, टॉपिकल यूज करेंगे। हाँ सिल्वर सल्फाडायाजिन मेफेनाइड बर्न के केस में वो भी टॉपिकल यूज हो रही है, लेकिन हम सल्फासिटामाइड तो हमारी आई में यूज हो रही है और वो टॉपिकल ही आएगा ना, क्योंकि वहां से ड्रग एब्सॉर्ब होके अंदर नहीं आती। सो एजेंट एब्सॉर्ब रैपिडली एंड एक्सक्रीटेड रैपिडली, बिल्कुल गलत बात है क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एजेंट एब्सॉर्ब वेरी पुअरली एंड हेंस एक्टिव इनटू द बॉवेल ल्यूमेन, नहीं इसका हम सिस्टमिक यूज ही नहीं कर रहे हैं, ओरल रूट से दे ही नहीं सकते हैं, तो इसका बॉवेल पे भी काम नहीं आएगा, यानी इंटेस्टाइन पे भी काम नहीं आएगा। एजेंट एम्प्लॉयड मेनली फॉर द टॉपिकल यूज, हाँ ये आप कह सकते हो कि ये टॉपिकल यूज में ही काम कर रही है। लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड तो है ही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड आपकी सल्फाटॉक्सिन देखने को मिल रही है। तो आंसर आपको मिल गया कि सल्फासिटामाइड एजेंट हमारी ऐसी है जो टॉपिकली यूज होती है आई के इन्फेक्शन में, ऑकुलर इन्फेक्शन में मेनली यूज किया जाता है। सो हाईली सॉल्युबल कंपाउंड यील्डिंग न्यूट्रल सॉल्यूशन व्हिच इज ओनली माइल्डली इरिटेटिंग टू द आई एंड कंसंट्रेशन अप टू द 30%, तो टॉपिकली इसको ऑक्युलर इन्फेक्शन के लिए बेस्ट यूज किया जा सकता है, सल्फासिटामाइड की बात है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following sulfonamide is used in inflammatory bowel disease as well as second line anti-rheumatoid arthritic agent? सारी चीजें थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, वापस हम कंटेंट पे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, कॉन्सेप्ट से ही आंसर बनेंगे। अगर आप बात करोगे सल्फासैलाजिन आपने एक ऐसी ड्रग है जिसको पढ़ा होगा कि आर्थराइटिस में सेकेंड लाइन के रूप में यूज होती है। क्यों यूज होती है समझिएगा, सल्फासैलाजिन का मेटाबॉलिज्म होता है एजो रिडक्शन, और जब एजो रिडक्शन होता है तो ये दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाती है। पहला कहलाता है सल्फा पाइरिडिन और दूसरा कहलाता है 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड। अब इन दोनों का अपना अपना रोल है। सल्फा पाइरिडिन की बात करोगे तो ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होती है, और 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड की बात करोगे ना ये इंफ्लामेटरी बॉवेल डिजीज और मेनली बात करेंगे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज होती है। अब आपको ऑप्शन देना है कौन सी ऐसी ड्रग है जो सेकेंड लाइन एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिक एजेंट है और हमारा वो इंफ्लामेटरी बॉवेल डिजीज में भी यूज हो रही है, तो आपको पता चल चुका है। अब आप आंसर दे सकते हो सर, सल्फासैलाजिन इज द ड्रग विच मेनली एक्ट एज द इन द आईबीडी एज वेल एज हमारी कहां पे आर्थराइटिस में भी यूज हो रही है। और ये हमारा कैसे फॉर्म होता है, बाय द एजो रिडक्शन। सो सल्फासैलाजिन दिस इज द कंपाउंड विच यील्ड सल्फापाइरिडिन एंड 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड। सल्फापाइरिडिन प्रोड्यूस द एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन एंड एक्ट इन द आर्थराइटिस, वाइल जो हमारा 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड होती है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज होती है। इसका मेनली टारगेट क्या होता है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल जनरेशन, और वहीं पे हमारी ये ड्रग काम करती है। हां जी, नेक्स्ट, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम क्या होता है थोड़ा ये समझते हैं। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको हम आर्थस रिएक्शन के नाम से भी बोलते हैं। इफ एनी पर्सन हैव टेकन द सल्फोनामाइड और उस पर्सन में हाइपर सेंसिटिविटी है टाइप 3 टाइप की, तो उसमें स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें एलर्जिक रिस्पॉन्स आने लग जाते हैं, उसमें पैचेस रेड स्पॉट पूरे बॉडी में होने लग जाते हैं। हमारा वो बन जाता है क्या, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। किसके साथ आता है, सल्फोनामाइड के साथ। तो ऑप्शन देख के तो आप कंफ्यूज, देखो सबका अपना अपना रोल है। जैसे पेनिसिलिन की बात करोगे तो जेरिक हेक्समियर रिएक्शन याद आता है, टेट्रासाइक्लिन की बात करोगे तो फेनकोनी सिंड्रोम, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, बोन टीथ डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। मैक्रोलाइड की बात करोगे तो डायरिया की सिचुएशन एरिथ्रोमाइसिन के साथ देखने को मिल सकता है। तो सबका अपना अपना एडवर्स इफेक्ट है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम किसका है, सल्फोनामाइड। सो सल्फोनामाइड हमारा यहाँ पे नाउजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन प्रोड्यूस करता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम मेनली प्रोड्यूस होता है खासतौर पर लॉन्ग एक्शन पे, लॉन्ग यूज करने पे डर्मेटाइटिस के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज रेजिस्टेंट टू वन सल्फोनामाइड इट इज रेजिस्टेंट टू ऑल ऑफ देम। Bacteria acquire resistance to sulfonamide by all of the following except. ये बढ़िया है कि अगर एक सल्फोनामाइड का रेजिस्टेंस हुआ ना तो मतलब सारी सल्फोनामाइड उस माइक्रोब में रेजिस्टेंट हो जाती हैं, कोई भी काम नहीं करेंगे। अब यहां पे समझने वाली चीज क्या है जरा देखिएगा, यहां पे सिंपल पॉइंट है कि अगर आपने एक सल्फोनामाइड एक माइक्रोब को दिया तो उससे क्या होगा, अब जरा समझिएगा। सल्फोनामाइड का काम क्या है, सल्फोनामाइड का काम है डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करना, जिसकी वजह से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड ना बने। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि पाबा के इनकॉर्पोरेशन को इनहिबिट कर देती है टेरिडिन और ग्लूटामेट के साथ। करेक्ट। लेकिन इमेजिन करो अगर सपोज एक पर्सन है, उस पर्सन को कोई इंफेक्शन है और वहां पे पस का फॉर्मेशन, पस समझते हो ना जो व्हाइट कलर का सिक्रीशन होने लग जाता है, हाँ जी, पस का फॉर्मेशन होने लग जाए तो वहां पे पस में पाबा का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अब सोचो अगर आपकी सल्फोनामाइड पहले दी गई विदाउट पस
तो वो काम कर रही है, लेकिन जब पल्स ज्यादा हो गया तो आप पावर ज्यादा हो गया तो आपकी सल्फोनामाइड कितने पावा को इनहिबिट करेगी, 2, 4, 6, 10, लेकिन अगर पल्स है तो वहां पे मान लीजिए 20-25 पावा अमाउंट बन चुका है तो आपकी ड्रग काम कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर पस कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुका है तो हमारी सल्फोनामाइड ड्रग काम नहीं करेंगी, पहला पॉइंट। दूसरा, सपोज आप डाइहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हो कि अगर डीएचएफए नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया टीएचएफए टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बना पाएगा और फर्दर बैक्टीरिया का डीएनए और आरएनए सिंथेसाइज नहीं होगा। लेकिन इमेजिन करो, बैक्टीरिया अगर समझदार रहा और अगर उसने जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड को है उसने बोला कि अच्छा आप मेरे प्रोसेस को इनहिबिट कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं काम करूंगा होस्ट से डायरेक्टली फोलिक एसिड ले लूंगा, तो आपने इसको इनहिबिट किया भी तो क्या फायदा, बैक्टीरिया को तो फोलिक एसिड मिल ही गया ना, तो रेजिस्टेंस आपकी ड्रग का हो गया। हाँ जी, दूसरा, तीसरा बात करते हैं, जहां पे सपोज पावा और सल्फोनामाइड दोनों को बाइंड होना था, किससे? दोनों को बाइंड होना था डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम से। अब इमेजिन करना कि अगर सल्फोनामाइड जो हमारी ड्रग है उसकी एफिनिटी रिड्यूस होगी, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू बाइंड, मतलब अगर सल्फोनामाइड के बाइंडिंग पावर कम है तो वो बाइंड नहीं कर पाएगी एंजाइम से, और अगर एंजाइम से बाइंड नहीं कर पाएगी तो एंजाइम को इनहिबिट नहीं कर पाएगी, करेक्ट। सेम चीज यहां है कि अगर हमारी जो ड्रग है उसने क्या किया, उसने पावा, उसने उसकी एफिनिटी कम है सल्फोनामाइड की पावा डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम के लिए, तो हमारी सल्फोनामाइड नहीं बाइंड हो पाएगी, तो पावा जल्दी बाइंड हो जाएगी, पावा जल्दी बाइंड होगी तो वो हमारा फोलिक एसिड बना लेगी, ये हमारे मेन टारगेट होते हैं। चले अब ऑप्शन देखते हैं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ पावा, हां जी अगर प्रोडक्शन ऑफ पावा ज्यादा है तो वहां पे रेजिस्टेंस हो जाएगा। Using alternate metabolite pathway for the folic acid synthesis, producing folate synthetase which has low affinity for the sulfonamide. हाँ, अगर affinity कम है और alternate metabolic pathway develop कर लिया गया है तो हाँ हमारा resistance develop हो जाएगा। Low affinity to sulfonamide, अभी हमने बात किया कि अगर binding power sulfonamide की कम है तो resistance हो जाएगा। Decreased amount of pteridine moiety, नहीं टेरिडिन मोइटी से तो कोई रिलेशन ही नहीं था, हमारा सारा रिलेशन किधर है? पावा से। तो टेरिडिन कम है या ज्यादा है उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या रेजिस्टेंस का? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर डी है, क्योंकि एक्सेप्ट आपसे पूछा गया था और ये एक्सेप्ट की कहानी है। बाकी तीनों पाथवे से रेजिस्टेंस हो सकता है लेकिन इस पाथवे से रेजिस्टेंस की कहानी तो नहीं आएगी, करेक्ट है। सो रेजिस्टेंस ऑफ सल्फोनामाइड कैसे होता है? मेनली तीन पाथवे, produce increased amount of PABA, folate synthetase will have the low affinity for the sulfonamide and alternate metabolite pathway, बाकी influx reduce और efflux increase ये तो आपको अलग से लेके ही चलना है, वो भी हमारा type ही है। Next, following sulfonamide is used in burn, अभी हमने बात किया था special purpose पे, तो special purpose पे हमने बोला था मिफेनाइड और सिल्वर सल्फाडायाजीन हमारी दो ड्रग है जो हमारी स्पेशल पर्पस पे यूज होती है फॉर द बर्न केसेस। ऑप्शन सल्फासिटामाइड ऑक्युलर, सल्फासेलाजिन आईबीडी और आर्थराइटिस, सिल्वर सल्फाडायाजिन बर्न, और सल्फाडायाजिन की बात करेंगे तो हमारा ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस में यूज हो रही थी। तो आंसर हमारा क्या होगा? सिल्वर सल्फाडायाजिन, इट विल एक्ट इन द बर्न। अब सिल्वर सल्फाडायाजिन की बात करेंगे, देखो इसका जो 1% क्रीम के बेसिस पे इसका ऑइंटमेंट आता है, हाँ जी टॉपिकली 1% क्रीम का सिल्वर सल्फाडायाजिन बनाया जाता है और वो स्यूडोमोनास के अगेंस्ट काम करता है, और ये करता क्या है ना, ये सिल्वर आयन रिलीज करता है, सिल्वर सल्फाडायाजिन से सिल्वर आयन रिलीज होता है जो हमारा एंटी माइक्रोबियल एक्शन प्रोड्यूस करता है, और जो बर्न सरफेस है ना वहां पे अल्सर नहीं होने देता, उसको ये क्या करता है? प्रिवेंट कर देता है, क्योंकि छाले ना पड़े अदरवाइज वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। Which sulfonamide is used as treatment of the ulcerative colitis? अभी तो बात किया गया ना, क्या हमारा सल्फासेलाजिन will undergoes the metabolism by the azo reduction and form the 5-aminosalicylic acid and sulfapyridine. 5-aminosalicylic acid will have the ulcerative colitis action. अब देखो सल्फासिटामाइड आई, सल्फामेथॉक्साजोल हमारा UTI, सल्फिन पायराजोन नहीं, सल्फासेलाजिन हाँ जी,
सल्फासैलाजिन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आईबीडी में यूज होता है और यही अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमारा यूज होते हुए दिखेगा। तो सल्फासैलाजिन ट्रीटमेंट ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस एज वेल एज वी कैन से द आर्थराइटिस ऑल्सो। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसर्शन एंड रीजन विच आर गिवन बिलो। ओके, थोड़ा सा इसमें मैं कहूंगा ये केवल सल्फोनामाइड नहीं है, ये कोट्रीमोक्साजोल की तरफ चले गए हैं। कोट्रीमोक्साजोल हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जरा नाम देखिएगा क्या है, कोट्रीमोक्साजोल, और ये को मतलब कॉम्बिनेशन, समझो को मतलब कॉम्बिनेशन और ट्री का मतलब क्या है यहां पे, ट्राई मेथोप्रिन, और मोक्साजोल का यहां पे मतलब क्या है, सल्फा मिथॉक्साजोल। ये क्या है, सल्फा मिथॉक्साजोल, करेक्ट, कोट्रीमोक्साजोल। अब सुनो कहानी क्या है, ये जो ट्राईमिथोप्रिम और सल्फा मिथॉक्साजोल का कॉम्बिनेशन होता है कोट्रीमोक्साजोल में, उसका रेशियो होता है, और ये रेशियो कितना होता है, 1:5 के रेशियो में दिया जाता है। कितना, 1:5, मतलब अगर आप बात करोगे हमारा जो ट्राईमिथोप्रिम होता है वो 1 और सल्फा मिथॉक्साजोल 5, और ब्लड में जाने के बाद यही रेशियो हमारा कन्वर्ट हो जाता है 1:20 में। कितना, 1:20 ब्लड में, यानी प्लाज्मा कंसेंट्रेशन कितना होगा, 1:20 रेशियो, और डोज का रेशियो होता है 1:5 रेशियो। एक यहां पे पॉइंट ये भी आता है कि यही दोनों ड्रग का कॉम्बिनेशन क्यों बनाया गया, उसका सिंपल है कि दोनों की हाफ लाइफ जो होती है वो सेम होती है, और कितनी होती है, 10 आवर्स की हाफ लाइफ देखने को मिलती है। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, एसर्शन क्या कह रहा है, फॉर द ट्रीटमेंट सल्फामेथॉक्साजोल एंड ट्राईमिथोप्रिम इज गिवन इन द रेशियो ऑफ 20:1। जरा देखिएगा, सल्फामेथॉक्साजोल और ट्राईमिथोप्रिम किस रेशियो में दिए जाएंगे, 1:5 के रेशियो, 5:1 के रेशियो में, लेकिन लिखा क्या गया है, 20:1 है, जो गलत है। अच्छा रीजन देखो, दिस रेशियो इज ऑब्टेन्ड इन द प्लाज्मा इज 5:1। अच्छा प्लाज्मा में 5:1 होता है, बिल्कुल गलत है, प्लाज्मा में 20:1 होता है, लेकिन 20 क्या होगा, सल्फा मिथॉक्साजोल और ट्राईमिथोप्रिम 1 होगा। तो यानी एसर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, करेक्ट। ऑप्शन देखो, बोथ करेक्ट तो है ही नहीं है, पी इज करेक्ट, क्यू इज इनकरेक्ट, नहीं, बोथ पी एंड क्यू आर इनकरेक्ट, आपका आंसर डी होगा, क्योंकि यहां पे कहानी ही अलग है। फिर से सुन लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, सल्फा मिथॉक्साजोल और ट्राईमिथोप्रिम 5:1 के रेशियो में दिए जाते हैं, एस टी का याद रखिएगा या टी एस याद रखिएगा, रेशियो जरूर कंफर्म करिएगा। सल्फा मिथॉक्साजोल का कंसेंट्रेशन ज्यादा दिया जाता है, डोज ज्यादा दिया जाता है, ट्राईमिथोप्रिम कम, क्यों, क्योंकि जो सल्फा मेथॉक्साजोल होता है उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 60% होती है और ट्राईमिथोप्रिम की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 40% होती है, इस वजह से। तो हमने क्या बोला, बोथ, यहां पे हमारा सल्फा मेथॉक्साजोल और ट्राईमिथोप्रिम दोनों स्टैटिक इन नेचर है, लेकिन जब कॉम्बिनेशन में दे दिया जाता है तो साइडल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, और इनकी जो सिमिलर हाफ लाइफ होती है दोनों का, दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में, और अगर बात किया जाए ट्राईमिथोप्रिम हैज 40% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग व्हाइल सल्फा मेथॉक्साजोल हैज द 60% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, इसलिए ये कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, द मैकेनिज्म बाय विच सल्फासैलाजिन एक्सर्ट इट्स प्राइमरी एक्शन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस इज इनहिबिशन ऑफ। अभी तो हमने ये तो बात किया कि सल्फासैलाजिन हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस में दिया जाता है क्योंकि वो 5-ASA बनाता है और 5-ASA हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस में या IBD में यूज किया जाता है, लेकिन क्यों या कैसे यूज होता है, मतलब वो कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अब सुनो,
अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, वहां पे अल्सर का फॉर्मेशन होता है, और अल्सर का फॉर्मेशन यानी इन्फ्लामेशन का फॉर्मेशन, और इन्फ्लामेशन के फॉर्मेशन के लिए ल्यूकोसाइट का माइग्रेशन होता है, क्योंकि जब ल्यूकोसाइट माइग्रेट होती है ना, जब आप इन्फ्लामेशन पढ़ते हो ना, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा रिबॉब, टकॉलर, डॉलर, ऐसा टाइप से आपने वर्ड पढ़ा होगा, तो सबसे पहले क्या होता है, ल्यूकोसाइट का माइग्रेशन या हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर का माइग्रेशन होता है, तब वहां पे इन्फ्लामेशन होता है। अब अगर हमारी ये ड्रग उस इन्फ्लामेशन माइग्रेशन को इनहिबिट कर दे तो इन्फ्लामेशन नहीं होगा। ऑप्शन देखें, फॉलिक एसिड सिंथेसिस, देखो फॉलिक एसिड सिंथेसिस का यहां पे कोई रोल नहीं आएगा। हाँ, आप बिल्कुल कह सकते हो कि सर सल्फोनामाइड है तो फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट करेगी, मैं मानता हूं, लेकिन जब अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करेंगे तो वहां पे इस चीज को भूल जाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोट्राइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, हाँ, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है और उसके मूवमेंट या माइग्रेशन को इनहिबिट करता है। प्रोटॉन पंप और फॉस्फोलाइपेसी को कोई रोल ही नहीं है। सो राइट आंसर इज द बी, मतलब जो इन्फ्लामेशन कराने वाले मीडिएटर्स हैं उन्हीं को इनहिबिट कर दिया जाए। सो सल्फासैलाजिन पॉसिबल मैकेनिज्म बाय विच 5-ASA रिड्यूस इन्फ्लामेशन, सप्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस, उससे हमारा काम करेगा। सल्फा पायरिडिन एंड हमारा सल्फा पायरिडिन यहां बनेगा और 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड बनाएगा जो हमारा यहां पे यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट, ट्राइमेथोप्रिम हैज एन एडवांटेज ओवर मेथोट्रेक्सेट इन द थेरेप्यूटिक कैटेगरी बिकॉज, जरा एक बार क्लियर करो, जैसे अभी आपने बोला कि सल्फोनामाइड डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, सेम वैसे ही अगर बात करेंगे कि डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से हमारा बनता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, और ये जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है ना, इसी एंजाइम, यहां पे एंजाइम कौन सा लगता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इसी एंजाइम को इनहिबिट करने वाली कई ड्रग है, जैसे अगर आप बात करोगे ट्राइमेथोप्रिम मिलेगी, नेक्स्ट आपकी आएगी पाइरीमेथामिन आएगी, नेक्स्ट आप बात करोगे मेथोट्रेक्सेट आएगी, नेक्स्ट आप बात करोगे प्रोगुआनिल आएगी, ये सभी ड्रग आपकी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, लेकिन मेथोट्रेक्सेट से ज्यादा ट्राइमेथोप्रिम की एक्टिविटी होती है, खासतौर पर जब बैक्टीरियल इंफेक्शन की बात किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेथोट्रेक्सेट होता है वो ह्यूमन वाले डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज पे ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन ट्राइमेथोप्रिम बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम में ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इन्फेक्शन की बात करेंगे तो वहां पे तो हमें बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करना है ना, ह्यूमन वाले पे तो नहीं ना, इसीलिए ट्राइमेथोप्रिम इन्फेक्शन में ज्यादा यूज की जाती है, मेथोट्रेक्सेट ह्यूमन में, लाइक कैंसर की बात करो, आप आर्थराइटिस की बात करो, इम्यूनोसप्रेशन की बात करोगे, वहां पे ह्यूमन के लिए होगा। ऑप्शन देखें, ट्राइमेथोप्रिम बाइंड टू द डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज 50,000 मोर स्ट्रॉन्गली एज कंपेयर टू द होस्ट, एकदम करेक्ट पॉइंट है। ट्राइमेथोप्रिम कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली, नहीं दोनों दिए जा सकते। ट्राइमेथोप्रिम एग्जिबिट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट तो दोनों में ही मिलेंगे। ट्राइमेथोप्रिम हैज एडिशनल एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी, नहीं वो हमें मेथोट्रेक्सेट में एडिशनल इम्यूनोसप्रेशन प्रॉपर्टी या एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी मिलेगी। आपका आंसर क्या है, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, मींस ट्राइमेथोप्रिम हैव द 50,000 टाइम्स मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द बैक्टीरियल डीएचएफआर एज कंपेयर टू द होस्ट डीएचएफआर, यही हमारा राइट आंसर है। ट्राइमेथोप्रिम की 40% बाइंडिंग एबिलिटी होती है, ट्राइमेथोप्रिम बाइंड टू द डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज 50,000 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गली एज कंपेयर टू द होस्ट डीएचएफआर। नेक्स्ट पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। सल्फोनामाइड वेयर द फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, हाँ एकदम करेक्ट है, सल्फोनामाइड पहली एंटीमाइक्रोबियल एजेंट डिस्कवर की गई थी। सल्फोनामाइड आर प्राइमरली बैक्टीरियोस्टैटिक, हाँ ये हमारी बैक्टीरियोस्टैटिक, क्योंकि जितने भी एंटी मेटाबोलाइट होंगे ना सभी बैक्टीरियोस्टैटिक होंगे, एंड अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, करेक्ट। साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड इज द स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, अभी हमने बात किया था सल्फोनामाइड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, कर्निक टेरस, क्रिस्टेलो यूरिया, ये सारे एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। सल्फोनामाइड इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सल्फोनामाइड एंटी मेटाबोलाइट है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करेगी। सो पी क्यू आर करेक्ट है, एस फॉल्स है, आंसर कहां है, यहां है। सो पी क्यू आर आर करेक्ट,
While S is false, this is the correct answer. आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सल्फोनामाइड. सल्फोनामाइड फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट डिस्कवर किया गया था. बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर है, क्योंकि अगर ये सेल वॉल पे काम कर रहा होता तो ये स्टैटिक क्यों, ये तो साइडल बन गया होता ना. तो बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर है. स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एडवर्स इफेक्ट रखता है. पाबा का एनालॉग है. चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के इस सीरीज का क्या है ये भी देखते हैं. All of the following are topically used sulfonamide except. जरा कंफर्म करिएगा टॉपिकल यूज में आपको कौन कौन से सल्फोनामाइड याद आते हैं. सल्फासिटामाइड याद आता है, आई में यूज होगा. सिल्वर सल्फा डायाजिन यूज होता है बर्न में. मिफेनाइड यूज होता है बर्न में, ये तो हमें याद आते हैं. अब जरा ऑप्शन देखिएगा. सल्फासिटामाइड यस, सिल्वर सल्फा डायाजिन टॉपिकल, मिफेनाइड टॉपिकल. लेकिन सल्फा डायाजिन की बात करोगे तो ये हमारा टॉक्सोप्लाज्मोसिस में यूज होता है, प्लस कोट्रिमाजिन के कॉम्बिनेशन में भी यूज होता है, और ये टॉपिकल नहीं यूज होता है. आपसे पूछा गया सभी टॉपिकल है, एक्सेप्ट आपका आंसर हो जाएगा सल्फा डायाजिन, जो हमारा शॉर्ट एक्टिंग है लेकिन वो हमारा टॉपिकल यूज नहीं होता है. बाकी सिल्वर सल्फा डायाजिन, मिफेनाइड बर्न के केस में टॉपिकल, सल्फासिटामाइड आई के केस में टॉपिकल यूज किया जाता है. सो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द सल्फोनामाइड. आई होप इन क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट जरूर इंप्रूव हो रहे होंगे. सो विद दिस थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू.